आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेंगे। मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, ये आधा किलो के करीब है। अब इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब आटा लगा लेंगे। आटा नरम ही लगाएंगे, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह का आटा लगा लेंगे। देखिए आटा मैंने लगा लिया है, इसको एक साइड रख देते हैं ढककर। स्टफिंग तैयार कर लेते हैं आलू की। चलिए आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उबले हुए आलू हैं, मैंने इनको मिस लिया है, और ये 5-6 आलू हैं। और इसमें मसाले डाल लेते हैं। आधी चम्मच जीरा डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच सौंफ, एक हरी मिर्च कटी हुई। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। किसा हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती और नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको एक साइड रख लेते हैं। चलिए पराठा बना लेते हैं। मैंने चौकी ली है, इसमें थोड़ा सा आटा डाल लेते हैं। आटा लेकर इसमें लोइयां बना लेते हैं। थोड़े बड़े साइज की लोइयां बनाएंगे। देखिए चलिए पराठा बना लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, उसको थोड़ी सी बेलेंगे। बस इतने ही बेलेंगे। अब इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे, इसको हाथ पे रखकर। इसको चारों तरफ से दबाते हुए बंद कर देंगे। इसमें फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। अभी पहले इसको हाथ से ही बड़ा करेंगे, इसके बाद इसको बेलेंगे। चौकी पे सूखा आटा डालकर इसको बेल लेते हैं, हल्के हाथ से बेलेंगे। देखिए इस साइज में पराठा, सभी पराठे बना लेंगे। चलिए इसको सेक लेते हैं तवे पर। गैस पे मैंने तवा रख दिया है और ये गर्म हो गया है। इस पे अब पराठा डाल लेते हैं। ये पराठे हल्के से मोटे ही होते हैं। अब इसको सिकने देते हैं एक साइड से। चलिए पराठे को पलट लेते हैं। अब इस साइड तेल लगा देते हैं। अब इसको दोनों साइड अलटते पलटते सेक लेंगे। देखिए पराठा सिक गया है, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे पराठे बना लेते हैं। आलू के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।